नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ नए ब्लॉग के साथ, जिसमें मैं आपको गोरखपुर का चिड़ियाघर दिखलाने वाला हूँ। यहाँ तो इससे पहले भी हमने गोरखपुर के चिड़ियाघर में गया था, लेकिन सोमवार होने के कारण वहाँ पे बंद था। लेकिन आज हम फिर से जा रहे हैं, आज सोमवार नहीं है, तो चलते हैं और वहाँ का एक एक नज़ारा आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे। क्या क्या चीज़ है, कौन कौन सा जानवर उस चिड़ियाघर में है, तो काफ़ी मज़ेदार ब्लॉग होने वाला है, बने रहिएगा ब्लॉग में लास्ट तक। यहाँ चिड़ियाघर की बात करें तो गोरखपुर में ये नया जो चिड़ियाघर बना है, इससे पहले ये जो चिड़ियाघर था वो बुढ़िया माता मंदिर के पास था। वो भी जगह हम कवर करने वाले हैं आने वाले समय में बहुत ही जल्द, और वहाँ का एक मज़ेदार ब्लॉग आने वाला है। तो कहने का मतलब है कि एक एक ब्लॉग आते रहेगा इस चैनल पे, आपके भाई के चैनल पे, मुजफ्फरपुर स्टार के इस चैनल पे। इसी तरह से आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। हाल है ठीक है? कितना में बेचता है साहब? कितना में बेचता है? हाँ, 2,500 रुपये। अच्छा, 950-2,500 देगा कितने कम से कम? ये छोटा वाला लगा दूंगा 500 रुपये। नहीं होगा है, दे दो और टाइम दे दो, एक दे दो हमको, बाकी से 400 ले लेना, क्या दिक्कत है? एक दाम पर 250 रुपये बोलो, 100 रुपये में दोगे तो बोलो। हाँ नहीं होगा, नहीं दोगे क्यों? पढ़ तो भाई का कहना है कि 250 रुपये लगेगा, 250 से कम हम नहीं, 250 से कम में हम नहीं देंगे। हम बोले तो 100 रुपये में दे दो, लेकिन नहीं दिया। फिर हम अच्छा लगा उससे भाई से बात करने के लिए, बैठा हुआ था तो हम भी उससे बात कर लिए। यहाँ बात क्या होता है कि आप कभी किसी भी शहर में हो तो उस जगह पे, उस शहर में काफ़ी ज़्यादा जगह रहता है घूमने के लिए, जहाँ पे आप वहाँ पे रहने के बाद भी आप नहीं घूम पाते हैं। तो आपका भाई उस जगह पर जाता है और आपको इस ब्लॉग के माध्यम से उस जगह को दिखाता है, और दिखाने के बाद उस जगह पर जाने के लिए उत्सुकता बढ़ती है मन में कि हाँ भाई हम भी इस जगह पे हैं, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? वो व्यस्तता, आदमी के जो जीवन की व्यस्तता है, इस कारण से नहीं जा पाता है, किसी काम में रह जाता है। चिड़ियाघर के कट पे लीजिएगा, रात हमारे तो मुंगची वाला ना है हमारे साथ नीचे कल भैया कितना में ले चलिएगा? रात हो गया, दूसरा वाला ले। अरे वो बता, ले चलिएगा क्या? चिड़ियाघर चलिएगा, बैठाओ कहाँ बैठाओ, कितना ले रहे हैं भाड़ा उसका? वही भाड़ा तो बता दीजिएगा, क्या कितना लीजिएगा? 20 रुपया। हाँ ठीक है। तो जी हाँ, तो अभी हम ऑटो में बैठ चुके हैं और यहाँ से चलेंगे चिड़ियाघर की ओर, तब बने रहिएगा ब्लॉग में। जी हाँ, तो फाइनली हम आज पहुँच चुके हैं गोरखपुर के चिड़ियाघर के पास में, और इसके अंदर चलेंगे और एक एक नज़ारा दिखाने वाले हैं। ये मेन रोड हुआ और मेन रोड के अंदर में से ये मेन रोड हुआ और मेन रोड के अंदर में ये चिड़ियाघर है। तो अंदर चलते हैं, अंदर दिखाते हैं कि कौन कौन सा जीव जंतु, क्या क्या चीज़ है, सारा चीज़ आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो बने रहिएगा ब्लॉग में लास्ट तक, काफ़ी मज़ेदार ब्लॉग होने वाला है। जी हाँ, तो ये रहा इसका एंट्री गेट, इसी एंट्री गेट से अंदर में क्या क्या नज़ारा है सारा चीज़ आपको दिखाएंगे। जी हाँ, तो जैसे ही आप अंदर आते हैं, अंदर आने के साथ इधर देख सकते हैं, इस साइड में आपको पार्किंग एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे पार्किंग का जो है टिकट कटता है, और चलते पूछते हैं भैया कितने में बाइक का कितना टिकट लगता है। 10 एरिया हुआ और काफ़ी अच्छा पार्किंग बनाया गया है, और इसी पार्किंग एरिया से हम आगे बढ़ते हैं और आगे दिखाते हैं कि आगे में क्या क्या चीज़ है। देख सकते हैं वहाँ पर शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान गोरखपुर, काफ़ी अच्छा दिख रहा है सामने से। ये मेन गेट के पास में ही टिकट काउंटर है, ये टिकट काउंटर के पास हम टिकट खिड़की है, पुरुष का है काउंटर है, ये महिला का काउंटर है, ठीक है। और ये सारा चीज़ अब यहाँ पे शुल्क बताया गया है कि कौन से उम्र है, किस एज के उम्र को कितना रुपया लगता है शुल्क। 0 से लेकर 6 साल तक फ्री है, और 6 साल से लेकर 12 साल तक 25 रुपया है, 12 साल टू एभव जो है 50 रुपया आपको टिकट पर। टिकट लेते हैं, टिकट दे दीजिए, एक एक
तो अंदर में अगर 7D घूमना होगा तो अंदर टिकट मिलेगा, तो अंदर चलते हैं। ये देखिए ये टिकट हो गया और ये हमारा 50 रुपया रिटर्न किया गया है, 100 रुपया हमने दिया था और 50 रुपये का टिकट हुआ, और इसी से हम अंदर चलेंगे। लग रहा है ये मेन गेट हुआ, ये इसका मेन अगर टिकट जमा करने के बाद अंदर आते हैं तब ये शहीद अशफाकउल्लाह खां का पुरानी उद्यान का ये डायग्राम बनाया गया कि हाँ इसी तरह से बनाया गया कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, ये लेआउट तैयार किया गया है। ये कॉकरोटिल हुआ जो कि लगभग ये तोते के प्रजाति का ही एक रूप कह सकते हैं। ये ऊपर देखो सब बैठे हैं, अब देख सकते हैं इतना आदमी भी घूम रहे हैं। जोड़ा चाहिए, जोड़े रह करते हैं बजरीगढ़ सब उसी तरह के हैं। इन सब का रहने का जगह देख सकते हो, वहाँ पे उसको भोजन दिया गया है जो कि खाने में मछली रख, जैसे सोने के सो कैसे रहे जैसे अपने पंख में मुँह छिपा, चोंच पहले से छिपाना इन सबको आवाज नहीं तो सुरीली कैसे नहीं। ये गेंडा है तो इसमें गेंडा तो है भी नहीं, एक भी केवल नाम के लिए किया गया है कि हाँ ये गेंडा है, लेकिन इसमें गेंडा नहीं रखा हुआ। यहाँ पे लकड़बग्घा ढूंढते हैं, यहाँ भी लकड़बग्घा है एक, वो देखिए तो जूम करके दिखाते हैं लकड़बग्घा, देखते हैं लकड़बग्घा भी रेस्ट कर रहा है, धूप सेक रहा है। और उधर देखिए बच्चा सब उधर लकड़बग्घा पे एकदम बैठ करके मौज मस्ती कर रहा है। इसी तरह से आप आकर के घूम सकते हैं। ये भेड़िया है, भेड़िया वाली बात है, लेकिन भेड़िया आया है, भेड़िया इसमें दिख नहीं रहा कि भेड़िया कहाँ है। भेड़िया आया तो है लेकिन भेड़िया आया नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे भेड़िया दिख ही नहीं रहा है तो क्या बोलेंगे। तो वही बात है कि भेड़िया आया। ये देखते हैं ये सियार है और यहाँ भी सियार है, यहाँ पे वो देखिए ये सियार है और एक सियार लग रहा है जो कि गांव घर में आसानी से आपको हुआ करते हुए मिल जाएगा सियार। देखिए लेपटक कैट है, यहाँ पे कैट की बात कर रहे हैं, बिल्ली दिखाई नहीं दे रहा है। फिशिंग कैट है, फिशिंग कैट भी इसमें कुछ नहीं है। तो बहुत सारा चीज यहाँ पे खाली है। कैंटीन का नज़ारा दिखाते हैं कि कैंटीन में क्या क्या चीज़ें हैं। बाहर का नज़ारा हुआ है, यहाँ पे टेबल भी रखा गया है जिसपे आप सिटिंग स्पेस लेकर के बाहर में भी खा सकते हैं। अंदर चलते हैं, अंदर में भीड़ भाड़ तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, इस तरह से काफ़ी लंबा स्पेस यहाँ पे बैठने को मिलेगा। और इस तरह से यहाँ पे काउंटर है और हमेशा हल्ला होते रहता है, और काफ़ी अच्छा कैंटीन है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया गया है, लाइटिंग का व्यवस्था और फैन का भी व्यवस्था यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। और इस तरह से यहाँ पे आते हैं तो ये जो आपको हमेशा कुछ ना कुछ बनते हुए मिल जाएगा। यहाँ पे चाउमीन बन रहा है और भाई यहाँ पे जलेबी बना रहे हैं। कहिए क्या हाल चाल है, ठीक है? क्या हाल है भाई, ठीक है? कैसे चाट प्लेट है? 40 रुपये यहाँ पे, 40 रुपये का चाट। जैसे हम अंदर गए थे तो बात क्या हुआ कि अंदर जाने का हमने कैंटीन का नज़ारा दिखाया, तो हमने वहाँ के जो स्टाफ थे जो किचन था उसको भी दिखाया, तो एक भाई आए और उनका कहना था कि भाई इसका वीडियो मत बनाओ। तो हमने फिर उसका बाद वो वीडियो वहाँ का नहीं बनाया, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे दिखाते हैं कि आगे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो बने रहिएगा, फिलहाल काफ़ी दूरी तय कर चुके हैं और गर्मी भी काफ़ी लग रहा है, मौसम गर्मी का आ चुका है और पैदल चलना पड़ रहा है।
वही ना, आदमी बाहर से बनावट ऐसा रखा गया कि वह बहुत ज़्यादा वेराइटी होगा इसमें, नहीं कोई ज़्यादा तितली उतली एक भी तितली। देखिए जो शाही का काटा होता है वही शाही का काटा, यहाँ पे वो शाही पड़ा हुआ है। बात करें इस चिड़ियाघर की तो हमने एक एक नज़ारा दिखा दिया, बनावट काफ़ी अच्छा है, रखरखाव काफ़ी अच्छा है और एरिया भी है काफ़ी दूरी में फैला हुआ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि जानवरों की और पशु पक्षी जो भी है उसमें कमी है, तो अगर उसको बढ़ा दिया जाएगा तो काफ़ी और अच्छा लगेगा, काफ़ी अट्रैक्टिव बनेगा, जो कि आदमी जो भी पर्यटक आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए देखने के लिए तो और काफ़ी मनमोहक लगेगा। और इसी के साथ हमने इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर एक बात और है कि अगर आप गोरखपुर आते हैं तो एक बार इस चिड़ियाघर में ज़रूर आइएगा, काफ़ी अच्छा है ये, एक बार घूमने लायक है। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।